नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह की ताजा हेडलाइंस के साथ। हरियाणा में 10 बेड वाले अस्पतालों में कोरोना मरीजों को नहीं किया जाएगा भर्ती। 6 जिलों में छूट देते हुए 15 से 20 रखी गई बेड की संख्या। प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को 31 मई तक बंद रखने के आदेश किए जारी। पानीपत में भी कोरोना के बढ़ते मामलों व आमजन की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों का इलाज करने की दी अनुमति। जिला प्रशासन को निजी अस्पतालों से प्रतिदिन मिली 9 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड। 521 नए संक्रमित मामले आए सामने। 2 शमशान घाटों में 19 लोगों का कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत किया गया अंतिम संस्कार। राहत की बात, एक दिन में 421 लोगों ने दी कोरोना को मात। जिला पुलिस ने रेमडेसिविर के नाम पर नकली इंजेक्शन तैयार कर बेचने के काले कारोबार का किया भंडाफोड़। CIA2 ने 10 नकली इंजेक्शन के साथ एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। भारत नगर निवासी लापता युवक का 6 दिन बाद रोहतक के पास बसंतपुर के पास नहर में मिला शव। रोहतक PGI में पोस्टमार्टम करवा कर इसनाना थाना पुलिस ने परिजनों को सौंपा शव। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 दोस्तों पर हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। मॉडल टाउन स्थित ATM के जरिए लोन की किस्त के लिए जमा कराई गई 15,000 की रकम पर रोहतक में ठगों ने किया हाथ साफ। PWD विभाग के अधिकारियों की अनदेखी और ठेकेदार की लापरवाही का संभाल का मनाना ग्रामीण भुगत रहे खामियाजा। टूटी सड़क से परेशान ग्रामीणों ने किया रोड जाम। दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दूसरी शादी करने के मामले में 2020 से फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुराना औद्योगिक थाना पुलिस ने किया काबू। सुबह के इस ताजा अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।